Please subscribe and press the bell icon for more videos. हेलो एवरीवन, स्वाति मानना दिस साइड फ्रॉम बालोतरा राजस्थान. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू मिस्टर राकेश जी हु इज फाउंडर ऑफ चैनल लाइफ चेंजर, जिन्होंने एक बार फिर से मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात आप सभी के सामने रख सकूं. जीवन में लक्ष्य प्राप्ति की राह में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जरूरी है उस लक्ष्य को निर्धारित करना. एक डाक बिना एड्रेस के कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती. ठीक उसी प्रकार हम बिना लक्ष्य निर्धारित किए जीवन में कुछ नहीं पा सकते. जीवन में हर दिन का बहुत महत्व है. हर दिन हमें हमारी मंजिल की तरफ अग्रसर करता है. हर सुबह उठने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है. स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत. शूटिंग कंपटीशन में शूटर को हमेशा यह कहा जाता है कि उसका निशाना लक्ष्य से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा तुम्हारी गोली को नीचे दबाएगी. जीवन में अपने लक्ष्यों को थोड़ा ऊंचा रखना, ताकि जब उन्हें पाओ तब तुम्हें खुद की मेहनत पर गर्व महसूस हो. इस रास्ते कई चुनौतियां आएगी जो तुम्हें विचलित करेगी, लेकिन तुम्हें हमेशा अपने रास्तों पर टिका रहना है. यहाँ मुझे चंद पंक्तियां याद आती हैं. यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है. पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है. लक्ष्य निर्धारित कर लिया और उसको पाने के लिए शिद्दत से जुट गए तो आप अपनी तकदीर खुद लिख सकेंगे. ईश्वर के आशीर्वाद और किस्मत का ऐसा समा बंधेगा कि सफलता आपके कदमों में होगी. किसी ने ठीक ही कहा है, जब सही वक्त आता है, जहां बॉल पड़ती है आदमी बैट वहां नहीं घुमाता, बल्कि आदमी जहां बैट घुमाता है बॉल वहां पड़ती है. इसी सकारात्मक सोच को बरकरार रखिए. इन्हीं विचारों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.